दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले एक महीने से युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग मोर्चों पर दिल्ली के अंदर के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर वैसे तो पराली बहुत कम जलती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से मजदूरों के घर जाने से काफी मशीनों से जो है कटाई की गई। दिल्ली में पराली को जलाने की जगह गलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार ने बायो डी कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में किया है। लगभग अनुमान में 2000 एकड़ खेत पर नान बासमती धान की उपज होती है, उसमें से अब तक 1800 एकड़ खेतों में बायो डी कंपोजर का छिड़काव हो चुका है और नजफगढ़ एरिया में कुछ जगहों पर पानी लगने से धान की कटाई अभी देर से हुई है। अगले 3 से 4 दिनों में हम 2000 एकड़ छिड़काव के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बायो डी कंपोजर को लेकर के दो तीन प्रश्न थे लोगों के मन में। पहला जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि टाइम इसमें कितना लगेगा और क्या बायो डी कंपोजर का उपयोग करने के बाद अगले फसल की बुआई समय से हो सकती है। हम लोगों ने 13 तारीख को इसकी शुरुआत की थी हिरणकी से और आप सब लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने जा करके वहाँ अवलोकन किया और वहाँ पर लगभग 90 से 95% पराली गल करके खाद में तब्दील हो चुकी है। लेकिन वो एक घटना थी। दिल्ली के सभी हिस्सों में हमने बायो डी कंपोजर का छिड़काव किया है और पूरे दिल्ली के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके लिए सरकार पूसा बायो डी कंपोजर इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन कर रही है। ये इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी होगी जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में नॉर्थ वेस्ट और साउथ जहां पर धान की खेती होती है और जहां छिड़काव हुआ है, असेसमेंट कमेटी के मेंबर वहां जा करके ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे कि इस पूरे बायो डी कंपोजर का क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसमें 5 माननीय विधायक सदस्य होंगे, जिसमें नरेला के विधायक माननीय शरद चौहान, बवाना के जय भगवान उपकार, मुंडका के विधायक श्री धर्मपाल लाखड़ा, मटियाला के विधायक श्री गुलाब सिंह यादव और ब्रिजवासन के विधायक बीएस जून। ये 5 मेंबर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। 5 मेंबर इस असेसमेंट कमेटी में कृषि विभाग के अधिकारी होंगे जो अलग अलग एरिया में वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं और इनके साथ साथ 5 मेंबर पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक होंगे जो जिनके मार्गदर्शन में निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है। तो ये 15 सदस्यीय कमेटी अगले एक हफ्ते में अपना एक असेसमेंट रिपोर्ट सरकार को
सबमिट करेगी और इस पूरे रिपोर्ट को हम दिवाली के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन के केस को हियरिंग करने के लिए बोला है, तो इस पूरे रिपोर्ट को हम दिवाली के बाद जब हियरिंग होगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख हम इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे।